अध्याय 19। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और तुमसे कहता हूँ, जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों
या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे।